दोस्तों आज मैं आपके बाइसेप्स को बहुत बड़ा बनाने का सबसे यूनिक वर्कआउट लेकर आया हूं, जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। सबसे अलग वर्कआउट है ये, जो कि आपके बाइसेप्स को एकदम ब्लास्ट करने जैसा पंप करेगा। टोटल 5 एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से, जो कि होगी वी हैंडल केबल पुल। आपने अक्सर ये हैंडल देखा होगा वी शेप का। आपको बता दूं कि इस हैंडल से बाइसेप्स कर्ल लगाने से आपके बाइसेप्स बहुत अच्छे पंप होते हैं। आपको अपने आर्म्स को ज्यादा पीछे नहीं रखना है, एकदम नॉर्मल पोजीशन में रखना है, बिना अपनी बॉडी को मूव कराए। आपको इस तरह हैंडल को ऊपर पुल करना है। बहुत से प्रोफेशनल एथलीट और बॉडी बिल्डर भी इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करते हैं, क्योंकि इस हैंडल की ग्रिप आपके बाइसेप्स को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करती है और फायदा देती है। इस एक्सरसाइज के आप कम से कम 4 सेट तो जरूर लगाइएगा, और रेपिटेशंस आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज पर आते हैं दोस्तों, क्योंकि पहली बारी में हमको काफी टाइम लग गया। दूसरी है आपकी रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन। अब चौंकिए मत, आपको अपनी बैक मसल्स को ट्रेन नहीं करना है, पर आपको अपने बाइसेप्स के लिए इस एक्सरसाइज को करना ही होगा। अगर आप अपने बाइसेप्स को बड़ा और मस्कुलर बनाना चाहते हैं, तो आपको लैट पुल डाउन मशीन पर रिवर्स ग्रिप से बार को पकड़कर नीचे पुल करना है। जब आप बार को नीचे पुल करेंगे, तो 2 सेकंड का पॉज लीजिएगा और महसूस करिएगा कि आपके बाइसेप्स पर कितना असर पड़ रहा है। आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज का मैक्सिमम इफेक्ट आपके बाइसेप्स पर उनको और मस्कुलर बनाने पर पड़ता है, और बहुत ज्यादा क्रेजी पंप आता है। जैसे जैसे आप बार को नीचे पुल करेंगे, उतनी ही बार आप देखिएगा कि आपके बाइसेप्स कितने ज्यादा हार्ड हो रहे हैं। ये तो हुई दूसरी। अब आते हैं तीसरी एक्सरसाइज पर, जो कि है आपकी हैमर कर्ल्स। ऊपर की दोनों एक्सरसाइज आपकी हुई बाइसेप्स की शेप लाने के लिए और उनको बड़ा बनाने के लिए, पर हैमर कर्ल आपके हाथ के आउटर एरिया को वाइड बनाता है, चौड़ा बनाता है, क्योंकि हमें बाइसेप्स की पीक ही बड़ी नहीं करनी है, हमें पूरे हाथ को बड़ा बनाना है। और हैमर कर्ल्स सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके हाथों को वाइड बनाने के लिए। आपको अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट रखते हुए डंबल्स को ऊपर पुल करना है, और वो भी बिना अपनी बॉडी को मूव कराए। आपको अपने हाथों की पावर से उन्हें ऊपर पुल करना है, जिससे आपके आर्म्स का आउटर एरिया बड़ा साइज गेन करता है। हैमर कर्ल्स को आप अल्टरनेटिवली और डबल हैंडेड दोनों तरीकों से लगाइएगा, आपको और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारी चौथी एक्सरसाइज है चिन अप। जी हाँ दोस्तों, चिन अप इसीलिए क्योंकि इस एक्सरसाइज में भी हमारे हाथों की ग्रिप रिवर्स रहेगी, सेम एज एक्सरसाइज नंबर 2। आप चिन अप्स करते टाइम देख सकते हैं कि जब आप ऊपर जाते हैं, तो बाइसेप्स की शेप साफ साफ दिखती है, वो भी ट्रेन हो रहे हैं, उन पर भी साथ साथ आपका प्रेशर पड़ रहा है। और दूसरा, जब आप वापस नीचे जाते हैं, तो बाइसेप्स रिलीज होते हैं, जो कि नॉर्मली एक्सरसाइज में भी होते हैं। और रिलीज के बाद जब पुल कर वापस ऊपर जाते हो, तो पूरी बॉडी के वेट का प्रेशर आपके बाइसेप्स पर पड़ता है, और इतना प्यारा असर डालता है कि उनके अंदर आप हार्डनेस देख सकते हो। 10 से 12 चिनअप्स लगाने के बाद आप देखेगा कि कितना प्यारा पंप आता है आपके हाथों में। इसीलिए चिनअप्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज बड़े बाइसेप्स बनाने के लिए। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है नॉर्मल बारबेल कर्ल। ये आपकी फिनिशिंग एक्सरसाइज है दोस्तों। आपको सिंपल बारबेल कर्ल्स लगाने हैं, वो भी एंड में सारी एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि हमारी पिछली एक्सरसाइज ने अलग अलग तरह से बाइसेप्स मसल पर असर डाला, उन्हें पंप करा, और ऐसे में बाइसेप्स की शेप पंप के टाइम उतनी क्लियर नहीं दिखती, क्योंकि पूरे हाथ पंप रहते हैं। ऐसे में लास्ट में बारबेल कर्ल्स बाइसेप्स की शेप को एक्स्ट्रा पंप देने का काम करती है। ज्यादा वेट नहीं लेना है आपको, नॉर्मल वेट के साथ लगाइएगा और ड्रॉप सेट कीजिएगा। आपके बाइसेप्स में इतना दमदार पंप आएगा इन 5 एक्सरसाइज को करने के बाद, जिससे आपके बाइसेप्स काफी बड़े और मस्कुलर बनेंगे। बस आप इस वर्कआउट को फॉलो जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।